अभी कुछ चीज़ें तुम्हें पढ़कर सुनाई जाएंगी कि कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल हैं और कौन सी चीज़ें हराम हैं। तो अब यहाँ से पढ़ के सुनाया जा रहा है कि कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए जानवरों में से हराम हैं, उनका जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले रहता है मुर्दार। उस जानवर को कहा जाता है मुर्दार जिसको शरी तरीके से ज़बह न किया गया हो, और वो हलाल जानवर है लेकिन उसको शरी तरीके से ज़बह नहीं किया गया। मसलन गाय है, बैल है, बैल बकरी है, ऊँट है, इनको शरी तरीके से ज़बह नहीं किया गया, अपनी तभी मौत मर गए हैं किसी बीमारी की वजह से, चोट लगने की वजह से या किसी बुलंदी से गिरने की वजह से, इनमें से किसी वजह से भी अगर अपनी मौत मर जाते हैं ये और शरी तरीके से उसको ज़बह नहीं किया जाता तो उसको मुर्दार कहा जाता है। इसी तरीके से वो जानवर जिनका गोश्त नहीं खाया जाता जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, वो तो नहीं मुर्दार हैं। और अगर कोई आदमी उसको ज़बह भी करता है तो तब भी जायज़ नहीं, ज़बह करके भी नहीं खा सकता। और तीसरा मुर्दार के अंदर खंजीर किया जाता है जो कि नजसुलैन है, ज़बह भी करे तो तब भी जायज़ नहीं है, उसके तमाम के तमाम अज्जा जो हैं वह हराम है, उसका गोश्त खाना भी हराम है। आगे वाला खंजीर का गोश्त जिक्र किया गया, लेकिन तमाम उम्मत का इत्तेफाक है कि खंजीर के गोश्त के अलावा बाकी उसके जितने भी अज्जा हैं सारे के सारे हराम हैं। जिस तरह गोश्त खाना हराम है, इस तरह बाकी उसके बालों का इस्तेमाल, हड्डी का इस्तेमाल, उसकी खाल का इस्तेमाल, ये सारे का सारा हराम है। उसके जिस्म के किसी जुज़ से भी फ़ायदा उठाया नहीं जा सकता और उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। तब कोई आदमी जायज़ इस्तेमाल करे या नाजायज़ इस्तेमाल करे, खंजीर के जिस्म का कोई चीज़, मसलन ये जो ब्रश इस्तेमाल होते हैं तो ब्रश इसके अंदर बात जो है वो लिखा होता है हलाल रेशा, उसमें लिखा होता है, तो इसका मतलब यह है कि ये खंजीर के बाल जो है इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किए गए, और बाज़ के अंदर जो है खंजीर के बाल इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो नाजायज़ है, उसका इस्तेमाल जो है वो हराम है। तो नेता के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों के बारे में बताया कि वो चीज़ें हमारे लिए मुर्दार, उनका ज़बह करना ज़रूरी नहीं है। अखिल दो मुर्दार चीज़ें हमारे लिए हलाल हैं, एक मछली, उसके ज़बह करने की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरा टिड्डी, ये जो पूरे लश्कर की शक्ल में आती हैं और फसलों पर और दरख्तों पर हमलावर होती हैं और उनको चढ़ कर जाती हैं, वो उनका खाना जो है बगैर ज़बह के जायज़ है। तो मैदा के अंदर तीन सूरतें मैंने आपके सामने जिक्र की हैं। अब ये जो मुर्दार है इसका गोश्त खाना हराम है, लेकिन इसकी खाल का इस्तेमाल करना, अगर वो जानवर है जिसका गोश्त खाया जाता है और बगैर ज़बह के वो उसको मर जाता है, तभी वो मर जाता है, तो आया उसकी खाल का इस्तेमाल करना जो है ये जायज़ है या नहीं? तो खाद का इस्तेमाल करना जायज़ है बशर्ते कि उसको पाक कर लिया जाए। पाक करने का तरीका ये होता है, जिस तरह आम एक तरीका होता है कि उसको नमक वगैरह लगा कर उसमें चिकनाई और चर्बी हटा दी जाती है, पाक कर लिया जाता है। तो अब इस खाद को इस्तेमाल करना जायज़ मकासद के लिए जायज़ है। लेदर की बहुत सी अशिया जो है बनती हैं, अगर जानवर ज़बह ना हो सकता हो तो उसकी खाल उतार के जो है वो इस तरह लेदर की अशिया, मसलन ये बैग वगैरह बनाए जाते हैं इससे, और दूसरी बहुत सी अशिया, जूते बनाए जाते हैं, इनका इस्तेमाल करना जो है वो जायज़ है। लेकिन उसकी दिशा के लिए है कि उसको दबावत दी जाए। दबावत की ख़ास इस्तेमाल है जिसका मतलब ये होता है कि उसको पाक कर दिया जाए। इसी तरह मुर्दार की हड्डी का इस्तेमाल जो है ये भी जायज़ है। इसके सीख जिनके अंदर खून सिराई नहीं करता, सीख का इस्तेमाल, हड्डी का इस्तेमाल, ये भी जायज़ है। अलबत्ता मुर्दार के बाकी वो अज्जा, सात अज्जा जो हैं उनमें से खून का इस्तेमाल नजस उसके बारे में आगे आगे बढ़ता बेहतर हुआ खून जो है ये हराम है। अब वो ऐसा जानवर है जिसका खून जिसका गोश्त खाया जाता है या गोश्त न खाया जाता हो, खून चूँकि नजस है और बहने वाला खून, क्योंकि आठवें पारे के अंदर सूरह नाम के अंदर दमा मसकून बहने वाला खून जो है जिस तरह जानवर को जबल करते हैं और तेज़ी के साथ खून बहता है आपके कपड़ों पर लग जाता है, आपके कपड़े नजस हो जाते हैं, उसके साथ आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता बहने के बाद जो जमा हुआ खून गोश्त के साथ होता है ये नजस नहीं होता, थोड़ा बहुत जो खून उसके साथ रह जाता है ये नजस नहीं होता, बहने वाला खून जो है ये नजस है। इसी तरह जिसम के अंदर मुर्दार के अंदर वो जानवर जिसको शरीक तरीके से ज़बर कर दिया गया हो लेकिन उसमें कुछ अज्जा ऐसे हैं जिनको खाया भी नहीं जाता है, जिस तरह के कपूरे हो गए या इस तरह के नर या मादा का जो शर्मगाह होती है उसका गोश्त इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरह वजूद है उसके या मसाना है ये हसी तो फिर बताते को मनमई था तुम्हारे लिए मुर्दार जो है इसको हराम किया गया है दम और बहने वाला खून जो है ये हराम किया गया। ज़माना जाहिलियत में मुशरिकीन जो है वो खून जो है बहने वाला खून इसको भी इस्तेमाल करते थे, खाते थे और इसी तरह मुर्दार जो है इसको तो बड़ी खुशी से खाते थे, बल्कि जब ये आयात नाज़िल हुई कि मुर्दार जो है खाना हराम है तो मुशरिकीन ने यह कहना शुरू किया कि जिसको अल्लाह मार देता है वो उसको तो तुम नहीं खाते हो, जिसको खुद कत्ल करते हो उसको खाते हो, ये अजीब बात है। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जायज़ और शरी तरीका जो है वो हमें बताया है, उसकी तफसीलात हैं। खुल मताले की बल मैता मैता मुर्दार हराम है व दम खून वला खंजीर तो खून का बेचना ये भी हराम है, जो चीज़ खुद नजस है उसका खरीद और फरोख्त जो है ये भी हराम है और इसका इस्तेमाल करना जो है ये भी हराम है। इल्ला ये कि इलाज के लिए बतौर इलाज खून जो है उसका इस्तेमाल अमर मजबूरी जो है ये जायज़ होता है। वला खंजीर का गोश्त अभी मैंने वजाहत कर दिया आपके साथ। ये तीन चीज़ें जिक्र करने के बाद वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह वो चीज़ें जिन पर माँ हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम बुलंद किया गया। इहलाल इहलाल का माना रफ़ और शोर आवाज़ बुलंद करना और दूसरा माना है नामजद करना, दोनों माने इसमें जिस पर अल्लाह के अलावा। अब यहाँ भी इसका ताल्लुक सिर्फ जानवरों के साथ नहीं है, सिर्फ जानवर अगर है मसलन किसी ने बकरा अगर अल्लाह के लिए ज़बह किया है उसके नाम पर ज़बह किया है तो ये भी हराम है। इसमें बहुत बुनियादी चीज़ ये है कि अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर कोई चीज़ ज़बह करना अगर उसको बेबी कुव्वत का मालिक समझ कर इस मुशरिकाना अकीदे के साथ अगर कोई आदमी ज़बर करता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो मुसलमान भी नहीं रहता, इत्तेक़ादी मुशरिक है। अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर इस मुशरिकाना अकीदे के साथ कि अल्लाह के अलावा कोई और भी मसलन कोई बुज़ुर्ग हैं कोई बाबा है वो भी गैबी कुव्वत का मालिक है और उसकी उस तरीके से बगैर असबाब की मदद कर सकता है जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला मदद करने पर कुदरत रखता है, तो इस तरह के मुशरिकाना अकीदे के साथ दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर कोई आदमी ये अकीदा तो नहीं रखता कि गैबी कुव्वत का मालिक तो सिर्फ अल्लाह ताला ही है, लेकिन किसी बुज़ुर्ग की अल्लाह के बजाय किसी बुज़ुर्ग की तअज़ीम की खातर उसका नाम लेता है कि फलां बाबे के नाम पर बुज़ुर्ग के नाम पर मैं ये जानवर ज़बह करता हूँ, तो ये अमली शिर्क है और ये भी हराम है। इस जानवर का खाना भी हराम है और उसने एक हराम काम का इंतज़ाम किया है तो ये सूरत भी नाजायज़ है, इस पर नामजद करना और नाम बुलंद करना। तीसरी सूरत यह है कि ज़बह को करते वक्त अल्लाह ही का नाम लिया है, हलाल जानवर है अल्लाह का नाम लिया है लेकिन तज़ीम के लिए ग़ैरुल्लाह की तज़ीम के लिए वो ज़बह किया गया तो ये भी हराम है। इसका खाना पीना फिल्मों मज़ारों में बुज़ुर्गों के मज़ारों पर जो कुछ देख चढ़ाई जाती है नज़्र हुसैन दी जाती है या इस तरह के और बुज़ुर्गों के नाम पर जो नज़्र न्याज दी जाती है अल्लाह के अलावा उनकी तज़ीम की खातिर जो कुछ किया जाता है ये सब हराम है और इनका खाना पीना जो हराम है, इनका इस्तेमाल भी हराम है। इस्तेमाल इस तरीके से कि मसलन वहाँ पर गलाफ चढ़ाए जाते हैं, कपड़े चढ़ाए जाते हैं और वहाँ चरागाह किया जाता है। इनमें से किसी चीज़ को भी उठाकर उसका इस्तेमाल करना जो है ये हराम है, नाजायज़ है। माँ बहलना, वो माँ के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा इकराम से जो तफसीर पर भी है, ये उन सहाबा इकराम की तफसीर है जो मैंने आपके सामने जिक्र की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये तमाम तफसीलात उनकी तफसीर के अंदर और बाद दीगर सहाबा इकराम की तफसीर के अंदर, तो ये अपनी तरफ से नहीं है। कुरान मजीद की वही तफसीर मोतबर है जो कि अल्लाह के रसूल से उनके सहाबा इकराम ने कुरान को जिस तरीके से समझा है वही तफसीर जो है ये मोतबर भी है। किसी की राय या किसी का इश्तिहार नहीं, बल्कि सहाबा इकराम के सामने कुरान नाज़िल हुआ और की तफसीर वो सबसे मुस्तनद ज़रिया है कुरान मजीद की तफसीर का या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं। वल मुनख़ाने का, मुनख़ाने का उस जानवर को कहते हैं जिसका गला घुट जाए, मसलन रस्से रस्सा बांधा हुआ है और जानवर का गला घुट गया, सांस बंद हो गई, मर गया बगैर ज़बे के। कोई बकरी है या गाय वगैरह है, मर जाए इस तरीके से तो हराम है। और मौकूज़ा, मौकूज़ा चोट लग कर, शरीर चोट लगी उसके सर पे तो मर गया वो जानवर बगैर ज़बह के, वो भी हराम है। मगरत या किसी ऊंची जगह से पहाड़ से गिरा जानवर और मर गया तो वो भी हराम है, ज़बह नहीं कर सके। और नतीजा, दूसरे जानवर में लड़ाई होगी, दो जानवरों की आपस में, दूसरे ने उसको ऐसी किसी जगह के अंदर मार दिया जैसे वो मार गया, या इसी तरह किसी परिंदे ने, भेड़िए ने किसी गाय को, भेड़िए को या बकरी को खा लिया और वो मर गया, तो ये सब हराम मर्दार की शक्लें हैं। इल्ला नाज़क, इल्ला ये कि इनमें से कोई भी मुनख़ाने का से लेकर नतीहा तक ये चार सूरतें यहाँ पर जो जिक्र की गई हैं, इनमें से कि किसी जानवर का गला घुट रहा था और अभी जान बाकी थी उसके अंदर, अभी जिंदा था, गर्दन पर छुरी चला दी, शरीर तरीके से ज़बह कर दिया तो हम खा सकते हैं। चोट लगी, मरने से पहले पहले उसको ज़बह कर लिया तो खा सकते हैं। ऊंची जगह से गिरा नीचे और किसी ने मरने से पहले जान थी अभी उसके अंदर, उसको ज़बह कर लिया, दूसरे जानवर ने सींग मारा या किसी दरिंदे ने खा लिया लेकिन अभी उसके अंदर जान थी, उसको ज़बह कर लिया जल्दी जल्दी से मरने से पहले, तो ये जायज़ है। इल्ला माज़क अय्युम, तो शरी ज़बह जो है वो ये होता है कि चार रगें काटना इसके अंदर ज़रूरी होता है। चार रगों के अंदर एक खुराक की नाली है, सांस की नाली है, दो खून की नालियाँ होती हैं। चार में से कम तीन का कटना जो है वो शरी ज़बह के लिए ज़रूरी है। इसी तरह ज़बह करने वाले का मुसलमान होना या अहले किताब में से यहूदी नस्रानी वाकई जो उन पर ईमान रखते हों, यहूदियत पर ईमान और नस्रानियत पर, उनका ज़बीहा भी जायज़ है और मुसलमान का भी। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर जो है वो ज़बह करता है। उसका जिक्र आगे सूरह नाम में है कि वो जानवर न था जिन पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। इल्ला ये कि भूल गया कोई आदमी तो उसका खाना जो है वो जायज़ है, लेकिन जानबूझ कर अगर बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी तो वो हराम है वो जानवर भी। तो ज़बह की शराइत के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। वमा ज़ुबिहा अला नसब, और वो जानवर जिसको बुतों के आस्थानों पर ज़बह किया गया है। मुशरिकीन जो है वो जहाँ पर उनके देवियाँ जो है रखी होती थी, बुत रखे होते थे, उनकी तज़ीम की खातर वहाँ जानवरों को ले जाकर उनको ज़बह करते थे। तो उसी तरीके से कोई आदमी मज़ार पर उनकी तज़ीम की खातिर ले जाकर करता है। आज खबरें हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी सख्ती से मना किया। आपने फरमाया कि मेरी कब्र को बुत न बना देना मेरे पास, और अल्लाह ताला से दुआ की अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बना देना। और फिर आपने फरमाया लान अल्लाहु यहूद व नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबिया मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, ईसाइयों पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। तो आज जिस तरीके से लोग मज़ारों को सजदागाह बनाते हैं, वहाँ जाकर सजदे करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर लानत फरमाई है। तो कब्रों पर ये सारे कुछ करना नाजायज़ है। और इस पर ज़बर करना। वन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, इसी तरह तुम किस्मत मालूम करो बिल अज़लाम, पाँचों के ज़रिए, तीरों के ज़रिए। किस्मत मालूम करना ये भी जाहिलियत के अंदर एक तरीका था कि काबा के साथ जो है वो एक मुजावर बैठा होता था और वो मुख्तलिफ तीर उसने एक थैले के अंदर रखे होते थे। एक पे लिखा होता था नाम, हाँ आपका काम हो जाएगा, दूसरे पे ला लिखा होता था नहीं आपका काम नहीं होता था, और तीसरे पे तीसरा खाली होता था। तो वो इस तरह उसको हिलाता और उसके बाद कोई आदमी आता कि अब मैंने शादी करनी है या कोई चीज़ खरीदनी है, तो वहाँ किस्मत मालूम करता कि आया ये मेरे लिए करना जो है मेरी किस्मत में मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो वहाँ मुजावर के पास जाकर वो उसको कुछ नजराने पेश करता और उसके बाद वो हिला कर तीर निकालता। अगर वो तीर निकल आता है जिसके ऊपर लिखा होता हाँ, तो इसका मतलब है कि ठीक है तुम्हारे लिए ये काम मुफीद है, और अगर लिखा होता नहीं तो इसका मतलब है कि ये काम तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है। और अगर खाली निकल आता तो दोबारा नजराना देकर मुजावर को फिर कहता कि अच्छा दोबारा निकालो इसको, फिर हाँ या नहीं निकल आता तो जो काम होता उसके मुताबिक वो काम करता। तो अल्लाह ताला ने इसको भी हराम किया कि इस तरह किस्मतें मालूम करना, गैर की बातें मालूम करना जो है ये नाजायज़ है। अब इसके अंदर जो तोते लेकर बैठे होते हैं और गैर की बातें लोगों को बताते हैं, हाथों पर लकीरें देख कर इल्म जबर और ये इल्म रमज़ जो है और ये फालगिरी, ये सारी हराम चीज़ें हैं, इनके अंदर की कोई बुनियाद नहीं है, सारे खुराफात हैं जो जाहिलियत के दौर में हैं। ज़ालिकुम फ़िस्क़, ये सारे ये गुनाह के काम हैं। ये किस्मतें इस तरह मालूम करना, फाल चीज़ें गैर की चीज़ें मालूम करना, ज़ालिकुम फ़िस्क़। अल-यौम ययअसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज के दिन मायूस हो गए हैं वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया तुम्हारे दीन से। तुम्हारे दीन से मायूस होने का मतलब यह है कि अब दीन को अल्लाह ने क़ुव्वत और ग़लबा अता फरमा दिया और अब ये इस बात से मायूस हो चुके हैं कि दीन को मिटाया जा सकता है। अब अल्लाह तबारक व तआला का दीन उस वक़्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर ये आयात नाज़िल हुई तो 1 लाख से ज़ायद सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मैदान अरफात है, जुमे का दिन है, ये आयत नाज़िल हुई कि आज के दिन यानी अब नबी अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को ग़लबा दे दिया। फला तख़शौहुम वख़शौनी, अब आपको दुश्मन का कोई खौफ, उनकी मुज़ाहमत का कोई खौफ नहीं है कि वो अब आपके साथ भी मुज़ाहमत कर सकेंगे। वख़शौनी, मुझ ही से डरो। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। हर लिहाज से उसूल भी, तफसीलात भी, इसके उसूल और ज़ाब्ते भी दे दिए। क़यामत तक के लिए अब मज़ीद किसी नबी के आने की ज़रूरत भी नहीं है, दीन मुकम्मल हो चुका। व अत्मम्तु अलैकुम निअमती, और मैंने मुकम्मल कर दी है अपनी ये नेमत, ये नबूवत की जो नेमत है। अजीम एहसान अल्लाह तबारक व तआला ने किया, इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने तमाम अहकाम तफसीलात दे दी। रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन के पसंद किया, बतौर ज़ाब्ता हयात के पसंद कर दिया कि आइंदा इस ज़ाब्ते के मुताबिक तुमने ज़िंदगी गुजारनी है इस तरीके से जो इस्लाम ने बताया है। फमन इस्तताअ फी मसअतिन, जो आदमी मजबूर हो जाए, अब यहाँ पे हराम खाना कब जायज़ है उसका जिक्र किया गया है कि इज़्तिरार की हालत में जब कोई आदमी मर रहा हो तो शराब के कतरे से या हराम और बरदार के लिए रोकने से अगर उसकी जान बचाई जा सकती है तो उसके लिए खाना जायज़ है। हमारे इस बोल पर जो आदमी मजबूर हो जाए कि वक्त मसद है, भूख की वजह से, भूख में जान निकल रही है उसकी और सामने सिर्फ बरदार के अलावा कोई और मुतबादल मौजूद नहीं है तो बरदार खा सकता है। गैर मुतजानिब इसमें, लेकिन गुनाह का इरादा ना हो। असल यह है कि नीयत गुनाह के काम की और बरदार खाने की ना हो बल्कि जान बचाने की हो। फ़इन अल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, बख्शने वाला मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह।